हमारे साथ ईस्ट दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के एक्स मेयर सर हैं। तो शेम सर को मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपका स्पेशल एड्रेस रिमार्क्स देने के लिए, हमारे जो बिजनेस लीडर आज हैं रिसाइकलिंग और ब्रांड्स फ्रेटर्निटी से। मंच पे आसीन सतीश गोयल जी, विपिन रॉय जी, वेद प्रकाश मिश्रा जी, आनंद कुमार जी, प्रत्येक जी, नरेंद्र चौहान जी, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा अक्रम जी का कि इन्होंने मुझे इस महत्वपूर्ण पॉलिसी टाइम्स के कार्यक्रम में मुझे बुलाया, मुझे इसका हिस्सा बनाया। साथियों, वाकई में पॉल्यूशन अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है। इसको कैसे निपटा जाए, कैसे एनवायरनमेंट को अच्छा किया जाए, ये एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जब मैं मेयर था, हम लोगों ने प्लास्टिक वेस्ट को, सिंगल यूज प्लास्टिक को खत्म करने का निर्णय लिया और काफी हद तक हम सफल हुए। हमने जो जो प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण करते थे उन पे बैन लगाया, काफी इंडस्ट्रीज को हमने कहा कि आप इसको मत बनाइए, आप उस प्लास्टिक को बनाइए जिसको द्वारा से हम रिसाइकलिंग कर पाए। उससे काफी फर्क पड़ा। अभी आपने दिल्ली में देखा होगा कि तीन जो कूड़े के पहाड़ है, इसको समाप्त करने के लिए हमने पॉलिसी बनाई। मैं आपको जानकारी देना चाहूंगा कि जो कूड़े के पहाड़ है, इससे हमने मिट्टी बनाने का काम किया, उस मिट्टी को जो सड़कों का निर्माण है, जो नितिन गडकरी जी बड़े पैमाने में करने में लगे हुए हैं, इस मिट्टी का इस्तेमाल वहां होने वाला है, वो काम चल रहा है। आप जाके देखेंगे, चाहे गाजीपुर लैंडफिल साइड हो, चाहे भलसवा की हो, कूड़े के पहाड़ पहले से 20 से 25 मीटर नीचे आ गए। ये काम किया हमने इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट के लिए काम किया। हम लोग जो हमारे कंप्यूटर थे, हम उसको कबाड़ी को बेच देते थे, कीबोर्ड ऐसे वेस्ट हो जाते थे। हमने एक पॉलिसी बनाई, एक कंपनी के साथ हमने कहा किया कि आप इसको लीजिए, आप इसको इस पे काम कीजिए। तीन कंपनियां हमने ऐसे चूज की, उन तीन कंपनियों ने अपना ऐप बनाया। उस ऐप के माध्यम से चाहे कंप्यूटर हो, फोन हो, फ्रिज हो, टीवी हो, यदि कोई अपना देना चाहता है जो उसका बिल्कुल वेस्ट है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, जिसको कबाड़ी को दे देते थे, 20-30 रुपए कबाड़ी देके जाता था, उस ऐप के माध्यम से लोगों ने उनसे अप्रोच किया। वो अप्रोच जिसके 20-30 रुपए उन्हें टीवी के मिलते थे, उससे 500 रुपए, 700 रुपए, 2-2 हजार रुपए तक उन लोगों को मिला। और मिलने की वजह थी, जो हम कंप्यूटर को फेंक देते हैं उसमें 56 प्रकार की चीजें निकलती है, उसमें आप चांदी भी उसमें मिलती है, उसमें गोल्ड भी निकलता है, उसके अंदर आयरन भी निकलता है। इन चीजों के माध्यम से जो टीवी को फेंक देते थे उनको भी पैसा मिला, जो कंपनी आई उनको भी फायदा हुआ। आज मैं ये देख के जो ये कार्यक्रम चल रहा है रबड़ बेस्ड, मुझे बहुत अच्छा लगा। जिस रबड़ को लोग सड़कों पर जला देते थे, जलाने से उसकी कीमत शून्य हो जाती थी, और सबसे कीमत की बात नहीं, जो उससे पॉल्यूशन फैलता था, आप जहां पे टायर जल रहा है उसके पास से आप निकल नहीं सकते, खड़े होने की बहुत दूर की बात है। लेकिन आज हमें, जब मुझे बताया गया, सतीश गोयल जी ने बताया, तब मैंने ध्यान दिया कि हाँ, वाकई में आज टायर सड़कों पे नहीं दिखाई देते। पहले टायर सड़कों पे पड़े होते थे, लोग उसको जलाते थे, आपके छतों पर रखे होते थे, और जब छतों पर टायर रखे होते थे, बारिश के टाइम में टायरों के अंदर पानी भर जाता था, उस पानी के कारण मच्छर पैदा होता था, डेंगू मलेरिया होता था। आज ऐसी पॉलिसी लेके आए हैं, ये पॉलिसी देश के लिए बहुत बढ़िया पॉलिसी है। उस टायर की कीमत 20 से 25 रुपए किलो हमें मिलने वाली है, 4 टायर यदि हम बेचते हैं तो 1000 रुपए हमें प्राप्त होने वाले हैं। इस टायर के माध्यम से जब रिसाइकलिंग होगा तो उसकी कीमत 600-700 रुपए किलो के आसपास पड़ती है। कितना बड़ा, कितने लोगों को रोजगार मिलने वाला है, कंपनियां आगे बढ़ने वाली है, और सबसे बड़ी बात जो मोदी जी कहते हैं, आत्मनिर्भर भारत, इससे आत्मनिर्भरता की ओर भारत बढ़ने वाला है।
मैं मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और इस कंपनी का पुलिस स्टैम्प्स वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा इसके लिए। साथियों, एक और बात जो इसमें जो पॉल्यूशन नहीं फैलेगा उसके कारण लोगों की एज भी बढ़ेगी। आज दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन की वो हालत हो गई है कि निकलना मुश्किल हो जाता है। दुनिया की सबसे पॉल्यूटेड जो सिटी है वो दिल्ली है, उसके अंदर ये पॉलिसी टाइम्स वाले सहयोग देने वाले हैं, लोगों को आत्मनिर्भर बनाने वाले हैं। और सबसे एक बात होने वाली है कि जो हम इम्पोर्ट करते हैं, जो टैक्स को इम्पोर्ट करते हैं, जब यहाँ पर रिसाइकलिंग होगा, यहाँ टैक्स बनेंगे, लोगों को रोजगार मिलेगा, तो साथ ही साथ हमारा जो विदेशी मनी विदेशों में जाती है उससे भी बचाव होगा, देश की इकोनॉमी बढ़ेगी। मैं इसके लिए इन्हें पूरे पुलिस टाइम्स वालों का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, मुझे इसका हिस्सा बनाया, बहुत बहुत धन्यवाद।